नमस्कार, बिजनेस रेमेडीज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा जोशी। नई दिल्ली आधारित कंपनी इटकॉन्स ई सॉल्यूशंस लिमिटेड वुमेन्स रिसोर्स सर्विस देने वाली प्रमुख कंपनी है। कंपनी ने 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के छमाही एवं वार्षिक वित्तीय परिणाम प्रस्तुत किए हैं। कंपनी की मार्च 2023 में लिस्टिंग हुई है और कंपनी का भविष्य काफ़ी उज्जवल लग रहा है। कंपनी की ग्रोथ को देखते हुए आज के इस वीडियो में कंपनी की कारोबारी गतिविधियां, वित्तीय प्रदर्शन व भावी योजना जैसे विषयों के संबंध में जानकारी देने का प्रयास करेंगे। कंपनी मुख्य रूप से संगठित क्षेत्र में सार्वजनिक और निजी दोनों संगठनों को अपनी सेवाएं प्रदान करती है। आपको बता दें कि कंपनी ने गत 15 वर्षों में 25,000 से अधिक लोगों को काम दिलवाया है। जनवरी से कंपनी को इन्फिनाइट कंप्यूटर सॉल्यूशन द्वारा उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बिलिंग एप्लीकेशन पर सपोर्ट सर्विस प्रदान करने के लिए 300 से अधिक ह्यूमन रिसोर्स का ऑर्डर हासिल हुआ है, जिसमें से अब तक आवश्यक सभी लोग ज्वाइन कर चुके हैं। यह ऑर्डर करीब 3.25 करोड़ रुपये का था और पूर्ण हो चुका है। कंपनी ने वर्तमान वित्त वर्ष में नॉन आईटी यानी कि जनरल स्टाफिंग में काम करना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही कंपनी प्रबंधन ने सरकारी विभागों में स्टाफिंग में भी अच्छी बढ़त की संभावना जाहिर की है, क्योंकि राज्य एवं केंद्र स्तर पर कई चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले आईटी संबंधित गतिविधियां व अन्य गतिविधियां बढ़ने से स्टाफिंग का वॉल्यूम भी बढ़ता है। चलिए अब आपका परिचय करवाते हैं कंपनी के प्रवर्तकों और उनके अनुभव से। कंपनी प्रवर्तक 48 वर्षीय गौरव मित्तल कंपनी के प्रबंध निदेशक हैं। उनके पास आईटी उद्योग में 22 से अधिक वर्षों का अनुभव है। आइए अब नज़र डालते हैं कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन पर। 31 मार्च 2023 को समाप्त छमाही में कंपनी ने 12.90 करोड़ रुपये का कुल राजस्व एवं 66.53 लाख रुपये का कर पश्चात शुद्ध लाभ अर्जित किया है। 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्त वर्ष में कंपनी ने गत वित्त वर्ष में अर्जित 18.20 करोड़ रुपए के मुकाबले 28.41 करोड़ रुपए का कुल राजस्व अर्जित किया है। वित्त वर्ष 2023 में कंपनी ने गत वित्त वर्ष में अर्जित 1.28 करोड़ रुपए के मुकाबले 1.72 करोड़ रुपए का कर पश्चात शुद्ध लाभ अर्जित किया है। वित्त वर्ष 2023 में कंपनी ने 5.23 रुपए का EPS अर्जित किया है। वर्तमान में कंपनी का शेयर करीब 41 रुपए पर कारोबार कर रहा है। मार्च माह में कंपनी के शेयर में खरीद की ब्लॉक डील दर्ज की गई है। आपको बता दें कि 21 मार्च 2023 को 26,000, 24 मार्च 2023 को 32,000 और 29 मार्च 2023 को 26,000 और 31 मार्च 2023 को 26,000 शेयरों में खरीद की ब्लॉक डील दर्ज की गई है। तो यह थी नई दिल्ली आधारित कंपनी इटकॉन्स ई सॉल्यूशन लिमिटेड की कारोबारी जानकारियां। स्टॉक मार्केट, कमोडिटी बाजार और IPO मार्केट से जुड़े हर जरूरी समाचार से हम आपको करवाते रहेंगे अपडेट। देखते रहिए बिजनेस रेमेडीज की डिजिटल खबरें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।